सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। इस आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना था। गांधी जी और अन्य अग्रणी नेताओं को अंग्रेजों के इरादों पर शक होने लगा था कि वे अपनी औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की घोषणा को पूरी करेंगे भी या नहीं। गांधी जी ने अपनी इसी मांग का दबाव अंग्रेजी सरकार पर डालने के लिए 6 अप्रैल 1930 को एक और आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसे दानाई मार्च या नमक कानून भी कहा जाता है। यह दानाई मार्च गांधी जी ने साबरमती आश्रम से निकाली। इस आंदोलन का उद्देश्य सामूहिक रूप से कुछ विशिष्ट गैर कानूनी कार्यों को करके सरकार को झुकाना था। इस आंदोलन की प्रबलता को देखते हुए सरकार ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को समझौते के लिए भेजा। गांधी जी ने यह समझौता स्वीकार कर लिया और आंदोलन वापस ले लिया।